Hello friends, this is Team Super Simplified, and today we are here with current affairs MCQs for the month of July 2018. So today we will discuss some sample questions from the current affairs, what has happened in July 2018, जो चीज़ें न्यूज़ में रही, और जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं वो सारे के सारे अब धीरे धीरे करंट अफेयर्स ओरिएंटेड होते जा रहे हैं. स्टैटिक कंटेंट धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं. आपने सभी एग्जाम्स में देखा होगा, इंक्लूडिंग UPSC, SSC एग्जाम्स, RRB. सो ऑल द एग्जाम्स आर मूविंग एक्चुअली टुवर्ड्स यू नो द करंट अफेयर्स. सो ये सीरीज काफी हेल्पफुल होगी एग्जाम परस्पेक्टिव से. एंड कमेंट्स पर प्लीज अपना फीडबैक दीजिए, एंड प्लीज लेट नो इफ वी शुड कंटिन्यू दिस सीरीज, क्योंकि आपके फीडबैक के बेसिस पे वील डिसाइड. सो बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ व्यूज, लाइक्स एंड योर कमेंट्स वील डिसाइड कि वेदर वी हैव टू कंटिन्यू दिस सीरीज और नॉट. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो प्रोसेस ये रहेगा कि पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद एक हल्का सा गैप लेंगे. उस गैप में आप वीडियो पॉज कर सकते हैं एंड यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, राइट? और अपना ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद आप वीडियो को अनपॉज करके आंसर और एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, राइट? सो दिस इज क्वेश्चन नंबर वन. क्वेश्चन नंबर वन इज, विच इंडियन स्टेट हैज द हाइएस्ट नंबर ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स? ए महाराष्ट्र, बी मध्य प्रदेश, सी केरला और डी गुजरात. एंड द करेक्ट आंसर इज ए महाराष्ट्र. और ये क्वेश्चन यहाँ पर इसलिए आया है क्योंकि अभी रिसेंटली मुंबईज आर्ट डेको बिल्डिंग्स एंड विक्टोरियन गॉथिक आर्किटेक्चर्स वर एडेड इनटू यूनेस्कोज वर्ल्ड हेरिटेज साइट. और इसी के साथ जो इंडिया की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की जो संख्या है वो बढ़कर 37 हो गई है, राइट? हाउ मेनी आर देर? 37. 29 आर मैन मेड, 7 आर नेचुरल एंड 1 इज मिक्स्ड, ठीक है? तो ये आपको याद रहना चाहिए. एंड देर आर मोर देन 200 आर्ट डेको बिल्डिंग्स बिल्ट बिटवीन 1930s एंड 1950s, एंड दीज आर स्लीकर बिल्डिंग्स बोस्टिंग ऑफ कर्व्ड कॉर्नर्स, बालकनीज, वर्टिकल लाइंस एंड एक्जॉटिक मोटिव्स. सो बेसिकली ये आर्ट डेको एंड विक्टोरियन गॉथिक क्या है, ये एक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है. और ये जो पिक्चर में आप देख रहे हैं, दिस इज मुंबई CST, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, जो रेलवे स्टेशन है मुंबई में. इसका नाम पहले विक्टोरिया टर्मिनस था एंड इट वॉज चेंज टू छत्रपति शिवाजी टर्मिनस. तो इसमें जो आर्किटेक्चर है ये कुछ यूनिक टाइप का है, इस वजह से इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ऐड किया गया. और अब महाराष्ट्र में मैक्सिमम यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, राइट? और आपकी थोड़ी सी हेल्प करने के लिए हमने क्या किया है कि सारी लिस्ट जो है 37 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जो इंडिया में है उनकी एक प्रोवाइड कर दी है यहाँ. उसमें 29 कल्चरल है, मतलब मैन मेड, और 7 नेचुरल हैं और एक है मिक्स्ड. तो मिक्स वाला ज़रूर आप याद रखिए, इट इज़ कंचनजंगा नेशनल पार्क. सो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर टू. क्वेश्चन नंबर टू इज, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. इंडिया इज अ परमानेंट मेंबर ऑफ आर्कटिक काउंसिल. स्टेटमेंट नंबर टू, दक्षिण गंगोत्री इज इंडियाज फर्स्ट ऑब्जर्वेशन स्टेशन इन आर्कटिक रीजन. विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? ए वन ओनली, बी टू ओनली, सी बोथ वन एंड टू और डी नन ऑफ द अबव. एंड आंसर इज डी, नन ऑफ द अबव. बोथ द स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग, क्योंकि इंडिया इज नॉट अ परमानेंट मेंबर, इट इज ओनली एन ऑब्जर्वर इन आर्कटिक काउंसिल, ठीक है? एंड दक्षिण गंगोत्री इज नॉट इंडियाज फर्स्ट ऑब्जर्वेशन स्टेशन इन आर्कटिक रीजन, क्योंकि इंडिया का फर्स्ट ऑब्जर्वेशन स्टेशन तो है बट इट इज़ इन अंटार्कटिक रीजन, राइट? सो अंटार्कटिक में एस्टेब्लिश किया गया था. तो दो पोल्स हैं अर्थ के, एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है. तो नॉर्थ पोल में आर्कटिक है और साउथ पोल में अंटार्कटिक है. और अंटार्कटिक जो है वो एक कॉन्टिनेंट है, इट इज़ अ लैंड मास, और आर्कटिक जो है इट इज़ एन ओशन, ठीक है? इट इज़ अ वाटर बॉडी, राइट? सो फ्रोजन वाटर है बेसिकली वहाँ पर. सो आर्कटिक इज अ वाटर बॉडी. एंड दक्षिण गंगोत्री वॉज एस्टेब्लिश इन 1983 बट इट वॉज बरीड अंडर स्नो इन 1991. एंड भारती एंड मैत्री आर करेंटली ऑपरेशनल ऑब्जर्वेशन स्टेशन ऑफ इंडिया इन अंटार्कटिक रीजन, ठीक है? तो आपको तीन नाम ये याद रखने हैं अंटार्कटिक से रिलेटेड, साउथ पोल से रिलेटेड. और नॉर्थ पोल की अगर बात की जाए तो वहाँ पे सिर्फ इंडिया का एक ही ऑब्जर्वेशन स्टेशन है एंड दैट इज़ कॉल्ड हिमाद्री, और वो नॉर्वे की टेरिटरी में है, राइट? एंड ये क्वेश्चन यहाँ पर इसलिए आया है क्योंकि रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज रीनेम्ड NCAOR, नेशनल सेंटर फॉर अंटार्कटिक एंड ओशन रिसर्च, एज NCPOR, नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च, राइट? एंड इट फंक्शंस अंडर मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज. एंड दीज आर द कंट्रीज विच आर मेंबर ऑफ द आर्कटिक काउंसिल: USA, कैनेडा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड एंड रशिया. नाउ क्वेश्चन नंबर थ्री, ये पिछले क्वेश्चन से रिलेटेड ही है. विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट अ मेंबर ऑफ आर्कटिक काउंसिल? ए कैनेडा, बी फिनलैंड, सी USA एंड डी चाइना. एंड द करेक्ट आंसर इज डी चाइना, क्योंकि जो मेंबर कंट्रीज हैं दे आर बेसिकली अराउंड द आर्कटिक ओशन, ठीक है? आर्कटिक के आसपास के जो रीजन हैं वही उसके मेंबर परमानेंट मेंबर्स हैं एंड अदर कंट्रीज आर एक्चुअली ऑब्जर्वर्स. नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर फोर. सो क्वेश्चन नंबर फोर इज, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. स्टेटमेंट नंबर वन, लीडर लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग इज अ रिमोट सेंसिंग इंस्ट्रूमेंट. लीडर हैज़ बीन रिसेंटली डिप्लॉयड ऑन माउंट आबू इन राजस्थान. विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? ए वन ओनली, बी टू ओनली, सी बोथ वन एंड टू और डी नन ऑफ द अबव. एंड द करेक्ट आंसर इज ए,
one only. This statement is correct. LIDAR जो है light detection and ranging, it is a remote sensing instrument और उससे mapping की जाती है terrain की इस तरह से, और जैसे radar होता है radio detection and ranging, और जैसे sonar होता है sound navigation and ranging, तो वहाँ पे radio waves या sound waves भेज के terrain की mapping की जाती है. तो sound waves भेजी जाती हैं जो reflect होके वापस आती है, उसको study करके ये पता लगाया जा सकता है कि जिस object से टकरा के वापस आई है वो कितना दूर है, what is the distance and what is the structure of that object and at what speed it is moving. राइट, सो लीडर जो है लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग, इसमें लाइट यूज़ की जाएगी इंस्टेड ऑफ साउंड और रेडियो वेव्स. राइट, सो दिस इज़ अ न्यू टेक्नोलॉजी. और लीडर हैज़ बीन रिसेंटली डिप्लॉयड ऑन माउंट आबू. दिस स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट बिकॉज इट वॉज डिप्लॉयड इन गल्फ ऑफ खम्बात ऑफ द कोस्ट ऑफ गुजरात. तो गुजरात की कोस्ट में गल्फ ऑफ कैम्बे भी बोलते हैं इसको, गल्फ ऑफ खम्बात, तो वहाँ पर इसको इंस्टॉल किया गया है बाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी. और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों इंस्टॉल किया गया है, टू असेस द ऑफशोर विंड रिसोर्सेज. सो रिन्यूएबल एनर्जी की फिजिबिलिटी को स्टडी करने के लिए एक्चुअली इसको इंस्टॉल किया गया है. नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर फाइव. क्वेश्चन नंबर फाइव इज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड एन इंटीग्रेटेड स्कीम इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन विच विल सब्ज्यूम थ्री स्कीम्स, सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान एंड टीचर एजुकेशन. सो विच इज़ दैट स्कीम? ए संपूर्ण शिक्षा, बी समग्र शिक्षा, सी शिक्षित भारत एंड डी जन जन शिक्षित. एंड द करेक्ट आंसर हियर इज बी समग्र शिक्षा. एंड इट इज़ अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम. और ये जो तीन स्कीम्स थी पहले, सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और टीचर एजुकेशन, ये सारी की सारी जो स्कीम्स हैं ये इसमें सब्ज्यूम हो जाएंगी. नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर सिक्स. मीरकैट रेडियो टेलीस्कोप इज अ साइंटिफिक मेगा प्रोजेक्ट इन ए इंडिया, बी चाइना, सी साउथ अफ्रीका और डी केनिया. एंड द करेक्ट आंसर हियर इज सी साउथ अफ्रीका. सो व्हाट इज मीरकैट? मीरकैट इज एन अरे ऑफ 64 इंटरलिंक्ड रिसेप्टर्स टू अनलॉक द कॉस्मिक कॉनड्रम्स फ्रॉम डार्क एनर्जी टू डिटेक्टिंग एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ. सो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ और डार्क एनर्जी को स्टडी करने के लिए अब साउथ अफ्रीका में ये एक सेट, एक अरे, एक्चुअली अरे मीन्स कलेक्शन, राइट? सो इट इज़ कलेक्शन ऑफ 64 इंटरलिंक्ड रिसेप्टर्स इस तरीके से इंस्टॉल किए गए हैं. इट विल बी द लार्जेस्ट रेडियो टेलीस्कोप ऑफ इट्स टाइप इन द सदर्न हेमिस्फेयर. ओके, नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर सेवन. गोल्डन जैकल वॉज इन न्यूज़ रिसेंटली. इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स ऑफ इंडिया इज इट फाउंड? वेस्टर्न घाट रीजन, ईस्टर्न घाट रीजन, पेस्टोरल रीजन्स ऑफ गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा एंड हाई एलिवेशन रीजन्स ऑफ द हिमालयाज. एंड द करेक्ट आंसर इज सी. और ये क्वेश्चन यहाँ पर इसलिए है क्योंकि इट वॉज इन न्यूज़ फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ मैनग्रोव कवर इन बंदर रिजर्व फॉरेस्ट विच इज़ फोर्सिंग गोल्डन जैकल आउट ऑफ इट्स हैबिटेट. एंड द स्पीशीज इज इंक्लूडेड इन द साइट्स अपेंडिक्स 3 इन इंडिया एंड ऑल्सो इन द शेड्यूल 3 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972. नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 8. लोम्बोक आइलैंड्स आर लोकेटेड इन ए मलेशिया, बी इंडोनेशिया, सी थाईलैंड और डी मालदीव्स. एंड द करेक्ट आंसर इज बी इंडोनेशिया. सो लोम्बोक आइलैंड्स पे क्वेश्चन इस वजह से आया है क्योंकि यहाँ पर रिसेंटली अर्थक्वेक आया था. सो दिस इज़ द लोकेशन ऑफ लोम्बोक आइलैंड्स. और ये क्वेश्चन इस वजह से यहाँ पे आया है क्योंकि एक रिसेंटली अर्थक्वेक आया था इंडोनेशिया में, इस लोकेशन पे उसका एपिसेंटर था. दैट इज़ वाई दिस क्वेश्चन इज हियर. एंड इंडोनेशिया इज प्रोन टू अर्थक्वेक्स एज इट लाइज ऑन द रिंग ऑफ फायर. राइट, नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 9. एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेज कुंभ मेला इज नॉट हेल्ड? ए उज्जैन, बी नासिक, सी वाराणसी और डी हरिद्वार. एंड द करेक्ट आंसर इज सी वाराणसी. सो कुंभ मेला जो है वो 12 साल में एक बार लगता है और ये चार जगह पे लगता है, हरिद्वार, अलाहाबाद, उज्जैन और नासिक. सो ये चार लोकेशंस हैं बेसिकली, और इस मैप में भी आप देख सकते हैं हरिद्वार है, अलाहाबाद है, उज्जैन है और नासिक है. और ये अलग अलग रिवर्स के ऊपर है. नासिक में गोदावरी रिवर है, उज्जैन में शिप्रा है और हरिद्वार और अलाहाबाद में गंगा रिवर है. राइट, एंड यूनेस्को हैज़ रिकॉग्नाइज कुंभ मेला एज एन इंटेंजिबल हेरिटेज. तो जैसे कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स होते हैं उसी तरह से इंटेंजिबल हेरिटेज जो होती है उसको भी रिकॉग्नाइज किया जाता है यूनेस्को के द्वारा, और उसमें कुंभ मेला है. और ये इसलिए यहाँ पर है क्वेश्चन क्योंकि रिसेंटली एक कैंपेन स्टार्ट किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, चलो कुंभ चलो. इट इज़ द इंटरनेशनल कैंपेन ऑफ द गवर्नमेंट टू अट्रैक्ट टूरिस्ट फॉर द नेक्स्ट कुंभ टू बी हेल्ड इन जनवरी 2019. सो अगला जो कुंभ आ रहा है उसके लिए ये इंटरनेशनल टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए कैंपेन चलाया गवर्नमेंट ने. नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 इज अबाउट टेस. टेस इज ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट लॉन्च बाई नासा रिसेंटली विल ए स्टडी द कोरोना ऑफ द सन, बी सर्वे द अंटार्क्टिका रीजन ऑफ प्लैनेट अर्थ, सी सर्च फॉर द प्लैनेट्स आउटसाइड अवर सोलर सिस्टम और डी स्टडी द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ऑन अर्थ. एंड द करेक्ट आंसर इज सी.
So it will search for exoplanets. So what are exoplanets? Exoplanets are those planets which are outside our solar system. So हमारा जो solar system है उसमें 8 planets हैं, और उन 8 planets के बाहर अगर कोई दूसरा planet हमें मिलता है जो किसी दूसरे sun के around में revolve कर रहा होगा, that is an exoplanet, right? So it will monitor the nearest brightest stars for transits, and transits are events which denote the periodic dip in the light of a star when the planet passes in front of it. So कैसे ये work करेगा, इसका working mechanism काफ़ी interesting है TESS का, transiting exoplanet survey satellite. So exoplanet तो आपको समझ में आ गया, but what is this transiting? So ये जो transit का जो phenomena है ये काफ़ी interesting है. So basically ये जो probe है ये क्या करेगा, एक स्टार को एक्चुअली ये वॉच करेगा, उस स्टार की जो ब्राइटनेस है उसको एक जगह कैप्चर करता रहेगा, और अगर बीच में उस स्टार की जो ब्राइटनेस है वो एकदम से कम होने लगती है तो इसका मतलब क्या है कि उसके सामने से कोई बॉडी जो है वो पास कर रही है इस तरीके से, और जब वो कम्प्लीटली पास हो जाएगी तो उसकी जो ब्राइटनेस है दोबारा से वापस आ जाएगी पूरी तरह से. सो देर विल बी, इट विल नॉट बी कम्प्लीटली डार्क, बट एक डिप इन ब्राइटनेस विल बी देयर. सो इट विल स्टडी दैट ट्रांजिट. सो ये जो किसी प्लैनेट का जो मूवमेंट होता है अपने स्टार के सामने से जो निकल जाता है हल्के से, सो दैट इज़ नोन एज ट्रांजिट, राइट? सो उस ट्रांजिट को ये स्टडी करेगा. ओके, सो इट इज़ बेसिकली अ प्लैनेट हंटर. इट विल लुक फॉर एक्जो प्लैनेट्स, प्लैनेट्स आउटसाइड अवर सोलर सिस्टम. नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 11. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स, OPCW. स्टेटमेंट नंबर 1, OPCW इज एन ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशंस. स्टेटमेंट नंबर 2, OPCW हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन जेनीवा, स्विट्जरलैंड. ऑप्शन नंबर 3, इट वॉज अवार्डेड नोबेल पीस प्राइज इन 2013. विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट? ए 2 and 3 ओनली, बी 1 and 3 ओनली, सी 3 ओनली, और डी नन ऑफ द अबव. एंड द करेक्ट आंसर इज सी 3 ओनली. OPCW is an autonomous organization which is headquartered in The Hague, Netherlands. So statement number 2 is wrong. It is not headquartered in Geneva, and it has 193 member states. It is the implementing body for CWC. CWC is Chemical Weapons Convention 1997, right? And it is an autonomous organization. It is not a part of United Nations. So statement number 1 is also incorrect. And it was awarded Nobel Peace Prize in 2013, which is correct. Okay. Now let's move to question number 12. Question number 12 is, consider the following statements regarding RIMPAC. RIMPAC is Rim of the Pacific Exercise 2018. 1. 26th edition of RIMPAC was hosted by US Indo-Pacific Command. 2. It commenced off the Hawaii coast with the participation of 25 nations. 3. China did not participate this year. Which of the above statements are correct? A. 1 and 2 only. B. 2 and 3 only. C. 1, 2 and 3. Or D, 1 and 3 only. And the correct answer is C. All the statements are correct. So RIMPAC is basically the world's largest military exercise. और इस साल इज़राइल, श्रीलंका, वियतनाम ने पहली बार इसमें पार्टिसिपेट किया था, और इंडिया काफ़ी पहले से इसमें पार्टिसिपेट करता आया है. और इस बार INS सह्याद्री, जो कि इंडिया का एक इंडिजिनसली बिल्ट गाइडेड मिसाइल स्टेल्थ फ्रिगेट है, उसने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया था, राइट? RIMPAC 2018. सो इट इज़ कंडक्टेड बाई US इंडो पैसिफिक कमांड. नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 13. क्वेश्चन नंबर 13 इज़ अबाउट केरला. सो केरला में जो फ्लड की सिचुएशन थी वो काफ़ी न्यूज़ में चल रहा था उस टाइम पे, सो इसलिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है केरला से रिलेटेड. सो स्टेटमेंट नंबर 1 इज़ इडुकी डैम इज़ बिल्ट ऑन पेरियार रिवर इन केरला. एंड स्टेटमेंट नंबर 2 इज़ पेरियार इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ केरला. सो विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? A, 1 only, B, 2 only, C, both 1 and 2, or D, neither 1 nor 2. And the correct answer is C, both 1 and 2. So Idukki Dam jo hai Kerala ka, wo Periyar River par hi hai, aur Periyar jo hai wo Kerala ki longest river hai. Aur ye news mein isliye tha kyunki the gates of the dam were opened after 26 years due to heavy rainfall in Kerala, right? Now let's come to question number 14. Consider the following statements about BrahMos missile. पहला, इट इज़ अ बैलिस्टिक मिसाइल. स्टेटमेंट नंबर 2, द मिसाइल्स रेंज इज 4500 किलोमीटर टू 5000 किलोमीटर, एंड इट वॉज डेवलप्ड जॉइंटली बाई इंडिया एंड USA. विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? 1 एंड 2 ओनली, 2 एंड 3 ओनली, ऑल द अबव, नन ऑफ द अबव. एंड द करेक्ट आंसर इज डी, नन ऑफ द अबव, बिकॉज इट इज़ अ क्रूज मिसाइल, इट इज़ नॉट अ बैलिस्टिक मिसाइल. और इसकी जो रेंज है वो 300 से 400 किलोमीटर है. ये 4500 से 5000 किलोमीटर की रेंज नहीं है इसकी. ये जो रेंज है ये अग्नि 5 की रेंज है, राइट? एंड इट वाज डेवलप्ड जॉइंटली बाय इंडिया एंड रशिया.
इंडिया और यूएसए ने मिलके नहीं बनाया है, इंडिया और रशिया ने मिलके बनाया है। और ब्रह्मोस का जो नाम है वो भी दो रिवर्स हैं इंडिया और रशिया में, उनके नाम पर है, इंडिया की ब्रह्मपुत्र रिवर और रशिया की मोस्क्वा रिवर, MOSKVA, मोस्क्वा, राइट। सो दैट इज़ ब्रह्मोस। नाउ दीज आर सम टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस अबाउट ब्रह्मोस, सो ये आप थोड़ा सा देख सकते हैं, राइट। एंड इट इज़ अ सुपरसोनिक मिसाइल एंड दिस इज़ द वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी है Mach 2.8। Mach 2.8 का मतलब होता है कि जो साउंड की वेलोसिटी है उसकी वेलोसिटी से 2.8 टाइम्स इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी है, राइट। नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 15। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट नंबर 1, काला अजहर इज कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ लीशमेनिया। इट इज ट्रांसमिटेड टू ह्यूमंस थ्रू इन्फेक्टेड सैंड फ्लाइज। द डिजीज इज एंडेमिक टू इंडियन सब कॉन्टिनेंट, मेनली बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल। विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? ए 1 ओनली, बी 1 and 3 ओनली, सी 1 and 2 ओनली, या फिर डी ऑल आर करेक्ट? एंड द करेक्ट आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। सो ये काला अजहर जो है, इस बीमारी के बारे में तीन आपको फैक्ट यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। सो ये प्रोटोजोआ से फैलता है, तो कई बार ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं कि बीमारी का आपको नाम दे देंगे, एक डिजीज़ का नाम दे देंगे, एंड दे विल आस्क वेदर इट इज़ स्प्रेड बाई बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ और वायरस और वॉट, राइट। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस। सो लीशमेनिया इज़ अ प्रोटोजोआ, द वैक्टर इज सैंड फ्लाई, जो कैरियर है उस लीशमेनिया प्रोटोजोआ का, दैट इज सैंड फ्लाई, राइट। एंड इट इज़ एंडेमिक टू इंडियन सब कॉन्टिनेंट ओनली, ट्रॉपिकल कंट्रीज बेसिकली। और इससे रिलेटेड एक और फैक्ट ये है कि इंडिया इट सेल्फ अकाउंट्स फॉर हाफ ऑफ द ग्लोबल बर्डन ऑफ द डिजीज़। तो 50% केसेज इंडिया में मिलते हैं, एंड इंडिया हैज़ ऑलरेडी मिस द डेडलाइन ऑफ 2017 टू एलिमिनेट काला अजहर। तो वो तो हम डेडलाइन ऑलरेडी मिस कर चुके हैं, एंड ये क्वेश्चन यहाँ पर इसलिए पूछा गया है क्योंकि देर वॉज अ रिसेंट ब्रेकआउट ऑफ काला अजहर इन केरला आफ्टर द नीपा वायरस, राइट। नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 16। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट फास्ट टैग। सो स्टेटमेंट नंबर 1 इज फास्ट टैग इज अ रीलोडेबल टैग दैट हेल्प्स इन ऑटोमेटिकली डिडक्टिंग टोल चार्जेस एंड अलाउज व्हीकल टू पास थ्रू विदाउट स्टॉपिंग। स्टेटमेंट नंबर 2 इज इट यूजेज नियर फील्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। स्टेटमेंट नंबर 3, इट इज मेड मैंडेटरी फॉर कार्स एंड ट्रक्स मैनुफैक्चर्ड आफ्टर December 1, 2017। विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? ए 1 ओनली, बी 1 and 3 ओनली, सी 1 and 2 ओनली, और डी ऑल आर करेक्ट? एंड द करेक्ट आंसर इज बी 1 and 3 ओनली। स्टेटमेंट नंबर 2 इज इनकरेक्ट, क्योंकि इसमें RFID टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, राइट। नियर फील्ड कम्युनिकेशन की रेंज इतनी नहीं होती है। NFC के ऊपर UPSC में कुछ साल पहले क्वेश्चन आ चुका है, राइट। सो ये सारे जो साइंस एंड टेक में जो करंट अफेयर्स चलते रहते हैं उनके बारे में पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्टैटिक पार्ट से अब केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, अब वो क्वेश्चन आने का ज़माना जा चुका है। अब जो करंट अफेयर्स में चल रहा है साइंस एंड टेक के सेक्टर में, वो आपको ध्यान में रखना है, राइट। और फास्टैग का मैकेनिज्म आपको पता ही होगा, हमने इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाया था सेपरेटली। सो कार के ऊपर इस तरह से फास्टैग लगा रहेगा, और जब वो टोल से पास करेगी सो वहाँ पे आपका जो वॉलेट है वहाँ से पैसे ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाएंगे एंड यू नीड नॉट स्टॉप द कार। सो यहाँ पे कन्वीनियंस बढ़ेगी आपकी और टाइम सेव होगा बेसिकली, राइट। नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 17। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सो स्टेटमेंट 1 इज ईस्टर्न एंड वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर आर फंडेड बाई जापान इंटरनेशनल कॉपरेशन एजेंसी। एंड स्टेटमेंट नंबर 2 इज डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया TFCCIL इज अ स्पेशल पर्पज व्हीकल टू इम्प्लीमेंट द प्रोजेक्ट। विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 and 2, नाइदर 1 or 2। एंड द करेक्ट आंसर इज बी, ओनली 2 इज करेक्ट। स्टेटमेंट नंबर 1 इज नॉट करेक्ट। और स्टेटमेंट नंबर 1 इसलिए रॉन्ग है क्योंकि वेस्टर्न DFC जो है दैट इज फंडेड बाई वर्ल्ड बैंक एंड द ईस्टर्न DFC इज फंडेड बाई जीका, जापान इंटरनेशनल कॉपरेशन एजेंसी। और DFC प्रोजेक्ट के अंतर्गत एक्चुअली एक ब्रॉड गेज लाइन बिछाई जा रही है रेलवे के द्वारा, एंड देर विल बी टोटल 6 DFCs विच आर प्लान्ड इन इंडिया। और इनिशियली 2 कॉरिडोर बनेंगे, जो ईस्टर्न DFC और वेस्टर्न TFC, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, एंड दे विल बी डेवलप्ड इन फेजेस बाई 2019 और 2020, राइट। और जो 6 DFC हैं टोटल वो हैं ईस्टर्न वेस्टर्न, तो 2 हो गए, उसके अलावा ईस्ट वेस्ट जो कोलकाता और मुंबई को ज्वाइन करेगा, नॉर्थ साउथ जो दिल्ली और चेन्नई को ज्वाइन करेगा, ईस्ट कोस्ट जो कि खड़गपुर से विजयवाड़ा तक होगा, और सदर्न DFC जो चेन्नई और गोवा को ज्वाइन करेगा, राइट। सो ये टोटल 6 DFCs प्लान्ड है, तो काउंट के बारे में भी कभी पूछा जा सकता है। नाउ दिस इज़ अ मैप फॉर योर कन्वीनियंस, वी हैव गिवन द मैप ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, सो यू कैन जस्ट गो थ्रू दिस। नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 18। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। स्टेटमेंट नंबर 1, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे सेलिब्रेशंस वर स्टार्टेड बाई वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। स्टेटमेंट 2, इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन July 11th एवरी ईयर सिंस 1989 टू मार्क द वर्ल्ड पॉपुलेशन रीचिंग 5 बिलियन मार्क ऑन 11th July 1987।
Statement number 3, theme for 2018 World Population Day is Family Planning is a Human Right. Which of above statements are correct? 1 only, 1 and 3 only, 1 and 2 only, yeah, all are correct. And the correct answer is B, 1 and 3 only. I think some confusion is there. Correct answer is not 1 and 3 only, it is 2 and 3 only. Right, statement number 2 is correct, 3 is correct, 1 is incorrect. So why statement 1 is incorrect? Because World Population Day was established by UNDP, United Nations Development Program, not by World Health Organization. So statement number 2 and 3 are correct. Now let's come to question number 19. Which of the following nuclear power plants is not matched with the corresponding state correctly? 1. Kowada, Andhra Pradesh, Haripur, West Bengal, Bhimpur, Madhya Pradesh, Chhaya, Methi Virdhi, Gujarat, Jaitapur, Maharashtra. Which of the above mapping is or are not correct? And the correct answer is D, none of the above. So all are correct, right? So basically we wanted to give you a list of newly proposed power plants and the states where they are planned, okay? Now let's come to question number 20, and this is today's last question. So question number 20 is, consider the following statements about International Seabed Authority, ISA. So ISA is a UN body set up to regulate the exploration and exploitation of marine non-living resources of oceans in international waters. It is headquartered in Kingston, Jamaica. India was first country to request the access of polymetallic nodules in the Central Indian Ocean Basin region. Which of the above statements are correct? And the correct answer is D. All the above are correct. So once again, we wanted to give you some facts about International Seabed Authority. So it is a UN body indeed. And isko establish kiya gaya tha to regulate the exploration and exploitation of marine non-living resources. Aur iska headquarter Jamaica mein hi hai, Kingston mein. Kingston is the capital of Jamaica. And India was the first country to request the access to polymetallic nodules in the Central Indian Ocean Basin region. But kuch zyada kiya nahi hai humne. राइट सो ये क्वेश्चन यहाँ पर इसलिए आया है क्योंकि लॉन्ग टर्म पॉली मेटलिक नोड्यूल्स प्रोग्राम इज़ बीइंग इंप्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज राइट दैट्स ऑल गाइस इफ यू लाइक दिस लेक्चर प्लीज़ लेट अस नो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल इफ़ यू हैव नॉट डन सो और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए सो दैट यू गेट ऑल द नोटिफिकेशंस इंस्टेंटली और अगर आपको लगता है कि ये सीरीज़ यूजफुल है सो प्लीज़ लेट अस नो उसके आपके फीडबैक के बेसिस पर ही हम डिसाइड करेंगे वेदर वी वुड लाइक टू कंटिन्यू और नॉट राइट सो वील सी यू सून विद अनदर लेक्चर टिल देन टेक केयर बाय बाय एंड प्रिपेयर वेल